हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सेंट्रल हिंदू स्कूल की। सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात हो रही है तो थंबनेल देख के आप जान चुके हैं। मैं एक अहम रणनीति की बात करने जा रहा हूँ जो कि फुल्ली सेंट्रल हिंदू स्कूल पर बेस्ड होगी। अब तक आप लोग के भी कई सारे क्वेरीज थे, सर आप टोटल चीज़ों के बारे में बताते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी को मिक्स करके, बट सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी पे एक अलग सेपरेट वीडियो दीजिए स्ट्रेटजी को लेकर। तो आप ही लोग की डिमांड पर स्ट्रेटजिकल वाइज यह वीडियो है सेंट्रल हिंदू स्कूल पर, जो कि लागू होगी आपके 6th एग्जामिनेशन पे, 9th के एग्जामिनेशन पे, 11th के तीनों बींग मैथ, बायो, आर्ट एंड कॉमर्स, यह रणनीति इन सभी पे लागू होने वाली है। ध्यानपूर्वक सुने, जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार हित मित्र हों, जिनको भी सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी में जिनके बच्चों को एग्ज़ाम चाहिए या वो देने वाले हों, आपके दोस्त हों, उनको शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। अब मैं पहली बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यह चीज़ समझ लो, सेंट्रल हिंदू स्कूल का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हाईली डिमांड में है, ओनली ऑन BW कैंपस पे अवेलेबल है। आप जाके देखें, यहाँ पर 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाते हैं BW कैंपस पे। पेपर हमेशा से एक की पॉइंट होता है हमारी चीज़ों को समझने में, हमारी रणनीति बनाने में, हमारे माइंडसेट को समझने में, पेपर सेटर के माइंडसेट को समझने में और हमारा माइंडसेट तैयार करने में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं बात करता हूँ आपके लेवल की, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको पता है 1.5 महीने बाद ही आपका भी एग्ज़ाम आ जाएगा, बिकॉज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट में हो जाना है। इसके बाद किसका है? CHS वालों का ही है। जब आपका एग्ज़ाम आना तय हो चुका है तो यहाँ पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, मैं इसकी चर्चा करूँगा। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बता दिया। अब सेकंड चीज़ मैं आपको यह बताता हूँ कि पेपर पढ़ने के तरीकों को लेकर एक वीडियो रिकमेंड कर दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लेना, केवल पेपर पढ़ने के तरीकों को लेकर। इसके बाद यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होती है और सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्ज़ाम बनारस में ही होता है, यह बात आप स्पष्ट तौर से जान लें। आप में यहाँ पर माइनस मार्किंग CHS में नहीं होती। जब माइनस मार्किंग नहीं होती है तो आपको यह कोशिश करनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए और कि वहाँ पर आप हर एक क्वेश्चंस तक पहुँच जाओ, उसको पढ़ने के लिए एटलीस्ट पढ़ो तो सही, इतना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप हर एक क्वेश्चन तक पहुँचो। है क्या यहाँ पर की पॉइंट? सेंट्रल हिंदू स्कूल में अगर आपको एडमिशन पाना है तो दो चीज़ों पर तैयारी एकदम से सुदृढ़ होनी चाहिए। आपका एक इंग्लिश आता है, ग्रामर पोर्शन एंड कॉम्प्रिहेंसन, वहीं आपका हिंदी ग्रामर आता है। यहाँ पर आपको इन पर पकड़ बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, बिकॉज यह कॉमन फैक्टर है आपके CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो कि निर्धारित करता है कि आप एडमिशन पाने वाले हो कि नहीं। बिकॉज क्या होता है कि जो भी बच्चे UP बोर्ड के होते हैं उनकी हिंदी मजबूत होती है, CBSE होते हैं उनकी इंग्लिश मजबूत होती है, मगर सेंट्रल हिंदू स्कूल में दोनों पूछा जाता है, तो आपका यही कमज़ोर पोर्शन मिलता है। और आप जब देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है, आपके 70 से लेके 100 के बीच में आपके सारे एग्जामिनेशंस के कट ऑफ बनते हैं, जिसमें 9th का कुछ ज़्यादा ही हाई चला जाता है। यहाँ पर जब आप कट ऑफ को देख रहे हैं कि इन्हीं के बीच में आपका कट ऑफ स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, तो आप जो भी साइंस पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, इनको आप 100% टैकल कर लेते हो, आप फंसते कहाँ पर हो? फंसते हो आप हिंदी और इंग्लिश पोर्शन में, आपके ग्रामर पोर्शन में आप फंस जाते हो। वही आपका रुकावट का समय होता है जो आपको रोक देता है, आप में ज़्यादा जो उसमें लाना चाहिए आपको रैंकिंग, वह नहीं मिल पाती। सेंट्रल हिंदू स्कूल में एक क्वेश्चन सही करने पर एक नंबर मिलता है, इसीलिए यहाँ पर 100 क्वेश्चंस के पैरामीटर में आपके 100 मार्क्स में आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है। आप यह चीज़ तो समझ चुके हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत टाइम मैनेजमेंट है। बच्चों में होता क्या है ना कि जैसे भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का मात्र समय मिल रहा है और आपको 100 क्वेश्चन तक आपको जाना ही जाना है, तो यहीं पर होता है कि जैसे बच्चों के अंदर आता है अड़ियलपन कि भैया एक क्वेश्चन पे फंसे नहीं सॉल्व करके रहेंगे। अरे भाई साहब, आप खुद समझो प्यारे बच्चे कि आप करते क्या हो, आप एक क्वेश्चन में ऐसे फंसते हो कि उसको 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर लेते हो। आप कर तो लेते हो, मगर वो जो 2 मिनट आपने एक्स्ट्रा खर्च किया ना, वो 2 मिनट आप पीछे से 2 क्वेश्चंस को डंप कर दिए। क्यों ऐसा करते हो आप? जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको डॉच करके आगे बढ़ो। यहाँ पर आपको एक सीट पानी है, दिमाग में पढ़ बैठा लो कि हमें एक सीट पानी है, राजन सर ने कहा है एक सीट पाने के लिए हमें काम करना है, ज़्यादा हसल बसल नहीं करना है, यहाँ पर रुकना नहीं है, 100 क्वेश्चन तक जाना ही जाना है, उनको देखना ही देखना है। इसके बाद अगला नंबर आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे टिक करना। हमेशा से
क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले के माइंड में एक माइंड सेट हमेशा होता है कि क्वेश्चन जो हो उसके चारों ऑप्शन इस तरीके से रखो कि बच्चों को कंफ्यूज कर दे कभी कभी, नहीं ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है। इस बाबत आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना का निर्णय लेना आना होता है, ठीक है। यह सारी चीज़ें, यह सारी फैसिलिटीज और आपकी और भी फ्यूचर की ट्रेनिंग मैं यहाँ पर BW कैंपस में कराऊंगा आपकी। यहाँ आप देख रहे हैं BW कैंपस में ऑलरेडी प्रीमियम सर्विस अवेलेबल है आपके 9th क्लास की, आपके 11th मैथ्स की, बायो की, आर्ट एंड कॉमर्स की, तो आप इसे ज्वाइन करें। खासकर आर्ट एंड कॉमर्स वाले बच्चे जो भी हैं इनको मैं अपने गाइडेंस में लेके पर्सनली डील करूंगा, बिकॉज इनमें GS पोर्शन होता है और मैं एक UPSC का एस्पिरेंट हूँ, मेरी GS अच्छी है, अच्छे लेवल पे है, मेरी पूरी टीम इस पे आपकी मदद करेगी आर्ट एंड कॉमर्स वालों को निकलवाने में। सीट कम है बट हाँ हमारी पूरी कोशिश है कि आपको एक सीट दिलाई जाए। ज्वाइन करना ना भूलें BW कैंपस को। ये दो नंबर देखें, कॉल करें, काउंसलर से पूछें कि आपकी किस हिसाब से मदद हो सकती है, हम आपकी मदद करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।